रविवार को दिल्ली के अंदर छत्रसाल स्टेडियम में पूरी दिल्ली की जनता के साथ आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक आदरणीय अरविंद केजरीवाल जी जनता की अदालत कार्यक्रम करेंगे। जब केजरीवाल साहब ने इस्तीफा दिया था तो उन्होंने ये संकल्प लिया था, ये तय किया था कि अब पूरी दिल्ली में वो जनता की अदालत में जाएंगे, क्योंकि माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने उनको जमानत दे दी। प्रधानमंत्री जी ने जिन संस्थाओं को उनके पीछे लगाया था, ईडी सीबीआई को कुछ भी नहीं मिला उनके खिलाफ, देश की सर्वोच्च अदालत ने उनको जमानत दे दी। उसके बाद भी केजरीवाल जी ने कहा कि हम जनता से ईमानदारी का प्रमाण पत्र लेकर सत्ता में आएंगे। जब दिल्ली की जनता उनको ईमानदारी का प्रमाण पत्र देगी तब वो मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठेंगे। मैं समझता हूं आजादी के बाद से लेकर आज तक एक भी उदाहरण आपको ऐसा नहीं मिलेगा जिसमें किसी मुख्यमंत्री ने इतना साहस दिखाया हो कि अपना पद एक बार नहीं दो बार त्याग कर उसूलों और सिद्धांतों के लिए जनता के बीच में गए और चुनाव लड़े। और जनता की अदालत से मुझे पूरा भरोसा और यकीन है कि जैसे एक बार 67 सीट आई, एक बार 62 सीट आई, इस बार भी प्रचंड बहुमत के साथ दिल्ली की जनता ईमानदारी का प्रमाण पत्र अरविंद केजरीवाल जी को देगी और वो मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठेंगे। तो मैं दिल्ली के अपने सभी बंधुओं से, माताओं से, बहनों से, बुजुर्गों से अपील करूंगा, प्रार्थना करूंगा कि जो जनता की अदालत 6 अक्टूबर को छत्रसाल स्टेडियम में प्रातः 11 बजे से लग रही है, अरविंद केजरीवाल जो जनता की अदालत लगा रहे हैं, उस जनता की अदालत में आप भारी से भारी संख्या में पहुंचिए और केजरीवाल साहब के विचारों को, उनकी बातचीत को सुनिए और अपना प्रमाण पत्र दीजिए।